हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर फ्रॉम अश्वतीश एकेडमी। सो आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैंने बता दिया है कि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए तीन ब्रांचेस होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करता है रे भाई? तो लॉ बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव किसका काम करता है? तो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। और जुडिशियरी किसका काम करेगा? तो जस्टिस देने का काम होगा वो जुडिशियरी करेगा। वैसे भी इंडिया में भाई कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे तुम्हारे साइड वाले से कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, सेंटर और स्टेट में है। तो इन सभी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में रहता है जुडिशियरी। जुडिशियरी में इंक्लूड कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूड होंगे। तो आइए देखते हैं आज जुडिशियरी के बारे में। तो इंडिया के जुडिशियरी को कहा जाता है इट्स ए इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अभी सर इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या है भाई? तो इंटीग्रेट का मीनिंग है एक कंबाइंड जुडिशियरी इंडिया का। जैसे तुमने देखा है सेंटर में पीएम रहते हैं और स्टेट में सीएम रहते हैं, ओके? ऐसे जुडिशियरी में नहीं होता है। जुडिशियरी पूरे देश के लिए एक ही बना है और सारे लिंक है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो इंडिया में सेंटर और स्टेट जो होता है बेसिकली उनमें सेपरेट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन अगर जुडिशियरी सिस्टम लोगे तो इंडिया में एक ही जुडिशियरी सिस्टम होता है, ओके? इंटीग्रेटेड बोला जाता है, जिसमें हम देखेंगे कौन से कोर्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी कौन सा होगा? तो बेसिकली सबसे ऊपर जो कोर्ट होता है इसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी इसे यही इसे कहा जाता है अपेक्स कोर्ट। अपेक्स यानी सबसे ऊपर वाला कोर्ट, ओके? हर स्टेट में रहते हैं अलग अलग टाइप के हाई कोर्ट्स, तो एक स्टेट वन हाई कोर्ट, ऐसा एक रूल बनता है इंडिया में। तो अकॉर्डिंगली स्टेट्स को भी हाई कोर्ट है, कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज उनको भी क्या है भाई, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे आते हैं अलग अलग टाइप के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तालुका न्यायालय, जिला न्यायालय, ओके? आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, किसमें नीचे आएंगे? हाई कोर्ट्स में। और न्याय पंचायत करके होता है जो गांव में रहता है। बेसिकली ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये तीनों आपको हर जगह दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक ही है इंडिया में, हाई कोर्ट देखते हैं कितने हैं, अराउंड 25 हाई कोर्ट्स है, एग्जैक्ट 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत सारे हैं भाई। चलो देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए एक मेन जज होता है, जिन्हें कहा जाता है CJI ऑफ इंडिया, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो लीड करते हैं या फिर हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अभी कौन है? तो अभी है NV रामन्ना, रामन्ना करके है, जो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी आप पूछोगे सर इनको चुन के कौन देता है, या फिर चुन के देता है कि इलेक्टेड किए जाते हैं या फिर नॉमिनेटेड होते हैं? तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ही इज अपॉइंटेड बाय द सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं इन्हें अपॉइंट करते हैं। आपको इतना रखना है। अभी एक ही बंदा सुप्रीम कोर्ट चला नहीं सकता है भाई, इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया में, तो अलग अलग लोग होंगे उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करने के लिए, CJI को हेल्प करने के लिए, प्लस कुछ जजेस हो जाते हैं, इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है? रिटायर कब होते हैं? तो ये रिटायर होते हैं अराउंड 65 ईयर्स के बाद में रिटायर हो जाएंगे। 65 ईयर्स जैसे इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ये रिटायर हो जाते हैं। एक और कन्वेंशन इंडिया में फॉलो होता है, जज सपोज मान लो सुप्रीम कोर्ट में अभी 30 जजेस है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इनमें से CJI कौन बनेगा? तो CJI बनता है जिसका एज बहुत ज्यादा है, ओके? सबसे ज्यादा लेकिन 65 से कम वाला एज, तो वो बन जाएंगे इंडिया के CJI। फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है स्टेट और यूनियंस में, जैसे मान लो कि हर बार इंडिया में डिस्प्यूट अराइज होता है वेस्ट बंगाल और इंडिया, जैसे मान लो यूनियन में, या फिर ये क्यों होता है? अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट अलग रहा, सेंटर में लेट से BJP गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट कौन सा उठा लो जहां पे अदर BJP गवर्नमेंट है, ओके? जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लिया मैंने, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होंगे? तो अलग अलग चीज से हो सकते हैं, सभाएं कैसे भरी जाती है, कोई परमिशन देता है, कोई PM को परमिशन देता है, कभी कभी ऐसे होता है कि CM को दिल्ली में परमिशन नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जी को आपको पता होगा, बहुत बार इन्होंने भी मैटर भी उठाया है। तो इस केस में क्या होता है, वो सॉल्व करने के लिए वो कहाँ पे जाएंगे? तो सेंटर में जाएंगे, ओके? यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सेम स्टेट स्टेट में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेलगांव वाला बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो भी कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट का एक और काम किया जाता है, उसे आता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देना। इसे कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। अगर कोई हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिए, लोअर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने कुछ डिसीजन दिए कुछ ऑर्डर्स के ऊपर, तो भी रिव्यू करने का और खुद के भी डिसीजंस को रिव्यू करने का काम किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। प्रेसिडेंट को लगा भाई कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस चाहिए, तो एडवाइस देने का काम होता है। और एक सबसे बड़ा पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, जुडिशियल रिव्यू का। ये क्या पावर है सर? लेट से इंडिया में ऐसे कुछ लॉ बनाए जिस लॉ के कारण लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे,
तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस लॉ को स्क्रैप कर सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू, इसीलिए मैंने उसे रेट किया है। तो स्क्रैपिंग द अननेसेसरी लॉज इन इंडिया, और वो लॉज कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बना सकता है लॉज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाई कोर्ट्स। इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उनके हाई कोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। जैसे मान लो इंडिया में करंटली हाई कोर्ट्स कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, तो पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट का काम होगा हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने का। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई था प्लस अलग अलग टाइप के जजेस थे, वैसे ही हाई कोर्ट में होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और उनको हेल्प करने के लिए लगते हैं अलग अलग जजेस जो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से। तो आपको इतना चीज याद रखना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कौन अपॉइंट करेगा भाई, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है हर एक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र भी आता है, गोवा भी आता है, प्लस कुछ यूनियन टेरिटरीज है लाइक दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ऐसे चार, दो स्टेट और दो यूनियन टेरिटरीज किस में आएंगे भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट में आती है। ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज एसपीआई में पूछा गया है लास्ट टाइम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन आता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा, जो भी तालुका लेवल पे कोर्ट्स होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं। ओके, वो आएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। इसके बाद में देखते हैं ब्रांचेस ऑफ लॉ। इंडिया में दो टाइप के लॉ होते हैं, एकदम सिंपल है, एक बार सुन लो याद हो जाएगा। एक होगा सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो नॉर्मल लॉज होंगे, जैसे मान लो अगर आपके लैंड में इंक्रोचमेंट हो गया, किसी ने दूसरे ने लैंड ले लिया, रेंट भर नहीं रहे हो, डिवोर्स हो चुका है, ओके, प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर है, वो सारे आएंगे सिविल लॉज में। लेकिन अगर सीरियस क्राइम्स होंगे, जैसे मान लो चोरी हो गया, रॉबरी हो गया, ओके, थेफ्ट यानी चोरी रॉबरी दोनों भी सेम ही है, डाउरी यानी जैसे हुंडाबंदी कहा जाता है, मर्डर हो गया, तो सारे किस में आएंगे भाई, क्रिमिनल में। आपको सिंपल सवाल पूछा जाएगा, थेफ्ट एंड रॉबरी किस में आएगा, डाउरी किस में आएगा, मर्डर किस में आएगा। ये सारा का सारा सिलेबस मैंने लिया है 8th स्टैंडर्ड सिविक्स बुक से, सो होप सो आपको ईजी लग रहा है सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जुडिशरी खत्म होने के बाद में आता है स्टेट गवर्नमेंट। ये लास्ट लेक्चर होगा सिविक्स का। ओके, तो एकदम सिंपल है स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे सेंट्रल में रहता है भाई प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट में रहता है गवर्नर। जैसे सेंट्रल में रहता है पार्लियामेंट, वैसे स्टेट में कौन होगा भाई, लेजिस्लेचर। जैसे सेंटर में रहता है लोकसभा, वैसे यहाँ पे रहेगा असेंबली। जैसे सेंटर में रहता है राज्यसभा, यहाँ पे रहेगा काउंसिल। तो किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट तीन चीजों से बनता है, उसमें भी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव रहेगा, जुडिशरी। तो इंडिया और महाराष्ट्र का भी सेम है, उसमें इंटीग्रेटेड आता है जुडिशरी। तो हर एक स्टेट में गवर्नर होगा, गवर्नर को हेल्प करने के लिए, लॉ बनाने के लिए असेंबली होगा और काउंसिल होगा। लेकिन असेंबली कंपलसरी है, काउंसिल एट द व्हील होता है स्टेट के, अगर स्टेट को लगा तो काउंसिल आता है, नहीं तो नहीं आएगा। असेंबली को कहा जाता है मराठी में विधानसभा, और फिर काउंसिल को कहा जाता है विधान परिषद। तो महाराष्ट्र में दोनों है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो महाराष्ट्र में यस, दोनों भी प्रेजेंट है, असेंबली एंड काउंसिल। ठीक है, अभी इंडिया में ऐसे 7 स्टेट है जिनमें सिर्फ और सिर्फ काउंसिल प्रेजेंट है। ओके, सॉरी, इंडिया में ऐसे स्टेट है जिनमें बोथ बाइकैमरल बोला है, यानी बोथ काउंसिल भी प्रेजेंट है प्लस असेंबली भी प्रेजेंट है। यानी अगर आपके स्टेट में काउंसिल प्लस असेंबली है, तो उसे कहा जाता है इट्स अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, यानी दोनों भी प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में है और ऐसे 6 स्टेट है जिनमें प्रेजेंट है। नीड नहीं है सबको याद करने का, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ फैक्ट्स है। इंडिया में 28 स्टेट्स है, लेकिन 31 विधानसभा से, विधानसभा यानी क्या होंगे रे भाई, असेंबली, असेंबली यानी होती है सभा। तो ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास में विधानसभा है, तो वो भी आपको याद रखना है। एक होगा दिल्ली, एक है पुडुचेरी, और थर्ड है भाई जम्मू एंड कश्मीर, जिनमें क्या है रे, विधानसभा प्रेजेंट है यूनियन टेरिटरीज में। ओके, तो 28 स्टेट्स में तो है ही, लेकिन उसके अलावा 31 विधानसभा है। गोवा एक ऐसे स्टेट है जिनमें है प्रेजेंट है असेंबली, प्रेजेंट है गोवा में भी, लेकिन हाई कोर्ट नहीं प्रेजेंट है। ये भी आपको याद रखना है। टोटल इंडिया में हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25 हाई कोर्ट्स है, 31 विधानसभा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट स्लाइड होगा, एकदम स्मॉल लेक्चर है और पूरा नॉलेजेबल लेक्चर होगा, आपको बेसिकली 10 मिनट में पूरा रिवाइज करना है सारी चीजें। ठीक है, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में विधानसभा के मेंबर्स है 288, जिन्हें कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद है 78 मेंबर्स है उसमें। जैसे पार्लियामेंट के भी 3 सेशन होते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में जो लेजिस्लेचर होते हैं उसके भी 3 सेशंस होते हैं। फर्स्ट सेशन होता है बजट सेशन, जो अभी हो चुका है, अभी होने वाला है, वो स्टेट सेंट्रल का हो चुका है, स्टेट का होगा। एक होता है मानसून सेशन, जो मानसून पीरियड में आता है। एक होता है विंटर सेशन, पहले 2 सेशन कंडक्ट होते हैं मुंबई में, और महाराष्ट्र का जो विंटर सेशन होता है कंडक्ट होता है नागपुर में। तो आपको ये भी चीज़ याद रखना है। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा, और
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फिजिक्स वापस डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन जय हिंद एंड गुड बाय।